लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। एक तरफ हरियाणा की सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र की बैठक के बाद 4 से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द हो सकती है। इस बीच दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय महान, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स ने अपने सुझाव दिए हैं, अच्छा घोषणा पत्र बनवाया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बताया कि तमाम सुझाव लिए गए हैं, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी की तरह नहीं है, जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाने के बाद एक भी बैठक नहीं कर पाए। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो उठाकर भी नहीं देखा और सिर्फ कमल के नाम पर वोट मांगने की बात करते हैं। परफॉर्मेंस के नाम पर बीजेपी बताए उनके सांसदों ने किया क्या है। जो हम जनता के बीच में जाकर, चाहे वो हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, चाहे वो हमारी जनाक्रोश रैली है, चाहे वो हमारा हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस है, हमने इस तरह के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो चलाए, हमने जो है, क्योंकि घोषणा पत्र जो बनेगा वो सभी की सलाह से घोषणा पत्र बनेगा, लेकिन उससे पहले जो ऑलरेडी हमने घोषणाएं की हुई हैं या जो हमारे संकल्प पत्र में शामिल है, हमारे सीनियर नेता, चाहे वो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, या जहां भी हमारी रैलियां हो रही हैं उसमें जो घोषणाएं की जा रही हैं, वो हम लोगों ने हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से भी बात की, हम सभी साथियों से, वरिष्ठ साथियों से भी बात करेंगे और हमारा जो संकल्प पत्र है, हमें उम्मीद है कि हम लोग उसको घोषणा पत्र का हिस्सा बनाएंगे। हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा, मैनिफेस्टो में महिला, मजदूर, तमाम धर्म, तमाम जातियों की बात रखी गई है। मैनिफेस्टो ऐसा तैयार किया जाएगा जो अगले विधानसभा तक काम आए। अपनी तरफ से मैनिफेस्टो की सिफारिश राष्ट्रीय स्तर पर भेजी जाएगी, जिसमें किसानों की MSP की मांग को भी फिल्टर किया जाएगा। शुरू के एक दो सप्ताह में जो हरियाणा का केंद्र से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे किसानों का MSP का मुद्दा है उदाहरण के तौर पे, इसी प्रकार के मुद्दे हैं, उसको फिल्टर करके वो चिदम्बरम साहब की कमेटी को सौंप देंगे और उसकी बाकी मैनिफेस्टो की कार्रवाई असेंबली चुनाव तक आगे चलती रहेगी। हमारा टारगेट है कि लोगों से संवाद करके, लोकतंत्र में लोग ही सरकार होते हैं, तो उसकी क्या भावना है, उसके क्या सुझाव हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, कार्यक्रम क्या होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उसके सुझाव इकट्ठे करेंगे और इसको जो है पूरा एक। इस मौके पर उदयभान ने कहा कि हरियाणा में पहली फॉर्मल मीटिंग हुई है, जिसके तहत कुछ कमेटियां बनाई गई हैं जो अपना अपना सुझाव लिखित रूप में देंगे। ये तय हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में सेंट्रल AICC का जो मुद्दा होगा हरियाणा में भी उस पर ही लड़ा जाएगा। आज ये पहली फॉर्मल मीटिंग हुई है, सभी जो मेंबर्स हैं आपस में सुझाव दिए हैं, कुछ कमेटियां बनाई हैं जो अपने कमेटियों में अपने अपने सुझाव देंगे राइटिंग में लिख करके। आज तो सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन और वैसे सुझाव थे, अब राइटिंग में अपने अपने सुझाव देंगे, उस पर फिर आगे जा करके उसमें कार्रवाई शुरू होगी। सर, एक खास मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर आप? नहीं, अभी ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है। अभी जो खास मुद्दा तो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो अभी तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उसको देखते हुए जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो जारी होगा उस पर लड़ा जाएगा पार्लियामेंट का। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी में कुछ कमेटी मेंबर्स बनाने की जिम्मेदारी आगे दी जा सकती है। हरियाणा कांग्रेस का कहना है कि सांसद विजेंद्र सिंह का हरियाणा कांग्रेस में आना योग्य कदम है, जिससे हरियाणा में कांग्रेस और मजबूत होगी और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।